अब 37 पन्ने पर आई है, 37 पेज। गोपाल प्रसाद, चाय पीते हुए। सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप, शंकर को प्याला पकड़ाते हुए। वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी न करेंगे। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए। वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। अब हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए। कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर। आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू। रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, और जायचा तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। रामस्वरूप हैं हैं, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रीम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जरा सक पका कर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? देखो अभी इधर क्या लिखा है इस पन्ने पर, कि लड़के वाले मतलब लड़का खुद और उसके पिता उमा को देखने के लिए आए हैं। अभी उनका चाय पानी चल रहा है और बातें भी चल रही है। पहले वे लोग खूबसूरती पर चर्चा करते हैं और फिर आगे आगे रामस्वरूप यानी उमा के पिता वे बोलते हैं कि आज वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है, मतलब बेढब यानी आकारहीन। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी नहीं न था, मतलब क्या, पहले के ज़माने में लड़की की खूबसूरती वगैरह नहीं देखी जाती थी, ये बातें अलग थी। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए, मतलब जो कुछ स्वागत के लिए जो कुछ पदार्थ बनाए हैं। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। फिर देखो रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर मतलब सामने देख कर। आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर बाबू जैसे कि उधर बैठे हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और ही है, इस तरह वे पूछते हैं कि किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, मतलब लड़की की खूबसूरती के बारे में आपको क्या कहना है। तय करना मतलब निश्चित करना। तब गोपाल प्रसाद यानी शंकर के पिता बीच में ही बोलते हैं कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, निहायत जरूरी है, मतलब क्या, बहुत आवश्यक बात है यह कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। जायचा यानी जन्म पत्र यानी हम कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट की, जिस पर हमारी जन्म तिथि लिखी है।
तो उमा के पिताजी कहते हैं कि ठाकुर जी के चरणों में गए कि उसका जायचा मतलब जन्म पत्र मिल ही जाएगा, उसमें कुछ सवाल ही नहीं। लेकिन गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं यह उत्तर सुनकर। लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर लें बस। शंकर के पिताजी कहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, लड़कियों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खाली घर का थोड़ा सा काम और सिलाई वगैरह सीख ले तो भी काफ़ी है। मेज को एक तरफ सरका देते हैं, मेज यानी टेबल। फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जोर से वे पान लाने के लिए कहते हैं। तो उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है, मतलब छोटी सी प्लेट कि जिसमें पान रखा है। उस समय उसका चेहरा ऊपर हो उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। देखो मतलब लड़की को चश्मा नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका कहना। तो मतलब लड़की को चश्मा है मतलब उसको मतलब उसकी खूबसूरती में ये कमीपन है, ऐसा कई लोगों का कहना है, उनको लगता है। तो चश्मा देखकर वे चौंक जाते हैं। तो रामस्वरूप क्या बोलते हैं, सक पका कर मतलब वे असमंजस में पड़ जाते हैं, मतलब वे उनको सूझता नहीं कि क्या कहे और क्या बोले। जी वह तो वे कहते हैं कि जब उसकी आंखें दुखने लगी थी, मतलब उसको आंख की कोई समस्या थी, तब उन्होंने जांच की और तब कुछ दिनों के लिए उसको चश्मा दिया गया, ऐसा उनका समाधान करने के लिए वे इस तरह उसका उत्तर देते हैं। पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ, देखो अभी भी शंकर के पिता को शक है कि कहीं पढ़ाई करने के कारण उमा को चश्मा नहीं पहनना पड़ रहा है। आगे रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे वाजे के पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छी गाती है। उमा सितार रख कर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। रामस्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, फिर सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, जहाँ तक कि मेरी कमीजें भी हैं। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल से, हैं, जरा शर्माती है,
इनाम तो इसने, गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीददार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। देखो इधर क्या लिखा है इस पन्ने पर कि शंकर के पिता उमा की सभी प्रकार से पूछताछ कर रहे हैं। तो पहले उन्होंने चश्मे के बारे में प्रश्न खड़ा किया, अब उन्होंने पूछा कि क्या गाना बजाना कुछ जानती है क्या। तब उमा ने, जो हमने पहले मेरे तो गिरिधर गोपाल कविता पढ़ी ना मीराबाई की, उनका भजन सुनाकर दिखाया। एकाध, देखो सुनाओ उमा एकाध गीत सितार के साथ। एकाध मतलब एक या आधा। आगे देखो, उमा ने आधा गाना गाया और बंद किया। तब उसके पिताजी उसको कहते हैं कि उमा गाना पूरा करो, लेकिन शंकर के पिता का समाधान हो जाता है और वे अपना मत व्यक्त करते हैं कि उमा अच्छी तरह से गाती है। फिर वे आगे उसको प्रश्न पूछते हैं शंकर के पिता कि पेंटिंग वगैरह कुछ सीख लिया है क्या, तो उमा कुछ भी जवाब नहीं देती। तब रामस्वरूप उसके पिता उसको कहते हैं, नहीं वे उनको दिखाते हैं जो तस्वीर लगाई है कुत्ते वाली, वह उमा ने ही बनाई थी। फिर शंकर के पिता सिलाई के बारे में पूछते हैं, तो उन्होंने उमा के पिता ने कहा कि घर के सभी सदस्यों की के कपड़ों की सिलाई वही करती है, यहाँ तक कि उसके पिता की कमीजें भी वह सीती है। तो फिर वे आगे प्रश्न पूछते हैं शंकर के पिता कि क्या उसको कुछ इनाम वगैरह मिले हैं, लेकिन उमा कुछ भी बोलती नहीं, वह चुप रहती है। तब शंकर के पिता बोलते हैं कि इसको भी कुछ बोलना चाहिए, मुंह खोलना चाहिए। तो पिताजी उसका समाधान करते हैं उनका कि वह शर्माती है, इसके लिए नहीं बोल रही है। तो आगे देखो, तो उमा अभी जवाब देने के लिए तैयार है। उमा देखो क्या कहती है कि जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। जब हम कोई वस्तु दुकान से लाने के लिए जाते हैं तब हम उस चीज़ को परख लेते हैं, अगर हमें वह चीज़ पसंद आई तो हम उसका दाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वस्तु खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि उमा को इधर ऐसा कहना है कि ये कोई खरीदी बिक्री का व्यवहार नहीं चल रहा है, जिस तरह से शंकर के पिता पूछताछ कर रहे थे वह उसको नापसंद है। अगले पन्ने पर रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया, आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था
की सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन, बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। देखो अभी इधर क्या होता है। आगे रामस्वरूप उमा का, रामस्वरूप यानी उमा के पिता, वे उमा का यह रूप देखकर चौंक जाते हैं और उमा बोलती है कि मुझे भी कुछ कहना है। तो शंकर के पिता चिढ़ जाते हैं। जोश में आकर वे बोलते हैं कि आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे बुलाया था क्या, मतलब मुझे अपमानित करने के लिए। इधर वो लड़के का बाप है, इसका उसको गर्व है, घमंड है, और वह बोलता है कि मुझे अपमानित करने के लिए इधर बुलाया था क्या। तब उमा बोलती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं, मतलब जैसे तराजू में हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसको तराजू में नापा तौला जाता है, एक जगह वजन रखा जाता है, दूसरी जगह वह वस्तु रखी जाती है और उसका नाप तौल होता है, वैसे ही वे सभी प्रकार से उमा की परीक्षा ले रहे थे लड़के वाले। और ये बात उमा को पसंद नहीं आई क्योंकि वह एक पढ़ी लिखी लड़की थी। तब उन्होंने, शंकर के पिता ने कहा कि क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो क्या। तब उमा ने स्वाभिमान से कहा कि उसने बीए पास किया है और यह बीए होना कोई पाप नहीं, वह पढ़ी लिखी है, उसने पढ़ाई की है तो कोई पाप नहीं किया, किसी की चोरी नहीं की। और उसने शंकर पर भी उंगली दिखाई कि वह कैसे लड़कियों के हॉस्टल में से उसको कैसे भागना पड़ा था और नौकरानी के हाथ पर पड़कर मुंह छिपाना पड़ा था। तो रामस्वरूप उमा को चुप करने के, अपनी बेटी को चुप करने के प्रयत्न करते हैं। तब गोपाल प्रसाद चिढ़ जाते हैं। खड़े होकर गुस्से में वे क्या बोलते हैं कि देखो रामस्वरूप, तुम्हारी लड़की, आपकी लड़की बीए पास है, लेकिन आपने मुझे झूठ बताया था कि वह सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। और वे जाने के लिए दरवाजे तक जाते हैं। तब उमा उनसे कहती है कि जी हाँ, लेकिन आप इसका पता लगाइए कि आपका लाडला बेटा, जो आपका बेटा है शंकर, पढ़ा लिखा है, उसको बैकबोन यानि पीठ की हड्डी है या नहीं, मतलब पढ़ लिख कर भी उसमें कुछ हिम्मत, स्वमत नहीं है कि जो खुद अपना मत दे सके, उसमें कुछ हिम्मत नहीं है। जैसे मैंने तुम्हें पहले कहा कि हमें पीठ की हड्डी है, मेरुदंड उसको कहते हैं, बैकबोन, और इसके लिए हम खड़े रह सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, और हमारा शरीर इसके लिए मजबूत है, लेकिन जो कीड़े मकोड़े जिनको बैकबोन नहीं है, जिनको पीठ की हड्डी नहीं है, उनकी आयु बहुत कम होती है, वे बहुत नाजुक होते हैं। तो इस तरह इधर उनको क्या कहना है कि जैसे कि आजकल के ज़माने में कहा जाता है कि ममाज बॉय, मतलब जिसको स्वमत नहीं है, खाली अपने माँ बाप के की आज्ञा के अनुसार उनका चलना होता है, उनको वे अपनी खुद की राय नहीं दे सकते, खुद की हिम्मत पर खड़े नहीं रह सकते। और बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है, लाचार है, वे असहाय है लड़के के पिता होकर भी, और उनको जाना पड़ रहा है। और उमा चुप रह जाती है, लेकिन उसके मन के जो विचार थे, जिस तरह से उस शंकर के पिता व्यवहार कर रहे थे, उस पर उसने अपने विचार प्रकट किए। वह एक स्वाभिमानी और खुद पर विश्वास होने वाली सुशिक्षित लड़की है, यह उसने उस लड़की वालों को दिखा दिया, लड़के वालों को दिखा दिया।
वैसे ही इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि आज के ज़माने में लड़कियां पढ़ती है, वे ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं कि जहां लड़कियां नहीं है, पुरुष के कंधे को कंधा मिलाकर वे सभी क्षेत्र में काम कर रही है। इसके लिए हमें किसी भी बात पर हार नहीं माननी चाहिए, हमें स्व का अभिमान होना चाहिए और हमें हिम्मतवान बनकर हिम्मत दिखानी चाहिए, कायरता से डरना नहीं चाहिए। अभी इधर इस पाठ में ही एक निबंध की चर्चा है, दहेज एक अभिशाप। अभी देखो बच्चों, ये निबंध अपनी कापी में लिखना है। दहेज यानी जिसको डावरी कहते हैं, मराठी में जिसको हुंडा कहते हैं, कि क्या है, पुरातन काल से जब आर्य लोग थे अपने भारत देश में, आर्य लोग आए शुरू से, तो उनका गोपालन यानी गायें, जिसके पास गायें ज़्यादा वो अमीर माना जाता था। तब वे अपनी लड़कियों को शादी में विवाह के समय गायें देते थे उपहार में, ताकि ये लड़कियां गो पालन करके अपना पेट पालन कर सकेगी, घर के लिए दूध और जानवर खेती के लिए उपयोगी पड़ सकते हैं। लेकिन आगे आगे इसका स्वरूप विकृत हो गया और लड़की की शादी के वक्त लड़की वालों से मांग करने लगे, जैसे कि सोने के रूप में, घर के रूप में, ज़मीन के रूप में, या किसी को मोटर चाहिए वगैरह वगैरह। और उसने इतना विकृत रूप धारण किया कि कई बार लड़कियों को इसकी वजह से आत्महत्या करना पड़ रहा। अभी भी ये दहेज की पद्धति गाँव में नहीं बल्कि शहरों में भी चल रही है। और लड़कियां सोचती है, मेरे बाप ने मेरी शादी में इतना खर्च किया, अब मैं फिर कैसे मेरे माँ बाप के पास जाऊँ। और फिर वे खुद कभी आत्महत्या करती है या कभी घर वाले उनको आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। तो इस तरह दहेज एक शाप है, अभिशाप है, इस पर तुम्हें निबंध लिखना होगा। और फिर आगे जो स्वाध्याय है उसको हल करने की कोशिश करना, उसमें जो प्रश्न है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करना। धन्यवाद।